सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह का बयान सामने आया है। कोशिश की जा रही है कि समय पर रिपोर्ट पेश करें, ये बड़ी खबर है। कुछ गड़बड़ होने पर कोर्ट से आदेश लेकर समय लेंगे, विशाल सिंह का ये कहना है। कमिश्नर है, समय लेकर निर्धारित वक्त पर रिपोर्ट दे दें, कोर्ट कमिश्नर का ये कहना है। 3 दिन के सर्वे का रिपोर्ट बनाना और उसके लिए वक्त कितना लगेगा, इसके लिए कोशिश की जा रही है कि समय पे सबमिट की कर दी जाए। जी एकदम तैयार है, उसको सबमिट करने के लिए कोशिश की जा रही है, और अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक या ये होता है और विलम्ब होती है तो देखा जाएगा। ये भी बातें निकल के आ रही हैं कि आप लोग समय भी ले सकते हैं रिपोर्ट, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर गड़बड़ रहेगा, ज़्यादा मिस्टेक रहेंगे तो गलत रिपोर्ट तो सबमिट होगी नहीं, तो उसको ठीक करने में जो समय लगे उसके लिए समय लेके कोर्ट से माननीय न्यायालय से आदेश लेके उसको समय के अंतर्गत जो समय निर्धारित होगा उसके अंतर्गत दाखिल कर दिया जाएगा। अपनी तरफ से तो श्योर है, लेकिन अगर गलती ज़्यादा होगी तो देखा जाएगा। अभी हम लोगों ने रिपोर्ट बना ली है, मैंने अपनी रिपोर्ट बना ली है, लगभग तैयार है। इसी बीच हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा क्या कह रहे हैं, आपको सुनते हैं। साफ नजर आ रही हैं, तो इसलिए उनकी प्रवृत्ति वही है जो पहले थी, उनके पूर्वजों की वही प्रवृत्ति आज भी है, या वो आक्रांताओं के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, यहां पर सर्वे के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हुआ है। तमाम लोगों से जब ये पूछा जा रहा है तो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी, सुबह 11:30 बजे का वक्त है जब ये लोक भवन में मीटिंग होनी है। दोपहर 12 बजे मंत्री परिषद की भी बैठक होगी। तो देखिए, आज मंगलवार है और खबर आ रही है 11:30 बजे लोक भवन में कैबिनेट की मीटिंग होनी है, और 11:30 बजे का वक्त है लोक भवन में इस मीटिंग को बुलाया गया है। दोपहर 12 बजे मंत्री परिषद की भी बैठक होगी। आगरा से खबर है, बच्चों को स्कूल ले जा रही बस के पलटने की खबर। बस पलटने से चीख पुकार मची, हालांकि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। गनीमत ये रही है, खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने बच्चों को रेस्क्यू किया है, और इस बस में 20 से 25 बच्चे सवार थे। श्रीमती श्रीदेवी आवासीय महाविद्यापीठ स्कूल वमनपुरा की ये बस है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। थाना कागारौला क्षेत्र के मसेल्या के जोगार मार्ग पर यह हादसा हुआ है। ज्यादा डिटेल लेंगे सहयोगी नितिन से। नितिन, बच्चे सेफ लग रहे हैं लेकिन बस पलटी कैसे? देखिए, रेतीला मार्ग था पूरा, और उसमें जाके स्टीयरिंग पर कंट्रोल खो दिया ड्राइवर ने, उसके बाद इम्बेलेंस होते हुए बस पलट गई है और बच्चों को दूसरी बस से सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। लेकिन जब बस पलटी तो उसकी शिकार मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि सभी बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और जो ग्रामीण आस पास काम कर रहे थे उन्होंने शीशा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला है। 20 से 25 बच्चे बस में सवार थे, और ये श्रीमती श्रीदेवी आवासीय विद्यापीठ स्कूल बमनपुरा की बस है और जो बच्चों को लेकर जा रही थी। तो कुल मिला के एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, बच्चों की जान बच गई, और अब सारे बच्चे सुरक्षित हैं और उसकी जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस काफी देर से पहुंची है, पुलिस जानकारी ही नहीं हो पाई, लेकिन बड़ी कहा जाए गनीमत ये रही कि पूरे मामले में किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई है, सभी बच्चों को दूसरी। बिल्कुल नितिन, अब ये हादसे की जांच होगी, रास्ता खराब था या बस की क्या सिचुएशन थी, इन तमाम चीजों पर नजर रहेगी। शुक्रिया नितिन, जो जानकारी आपने पहुंचाई। गनीमत यही है कि बच्चे सुरक्षित हैं, 20 से 25 बच्चे इस बस में सवार थे। आगे बढ़ेंगे। उन्नाव से खबर है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे पर अपडेट दें आपको। डबल डेकर बस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर आ गई है, 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 13 की हालत गंभीर है। तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर के ये डबल डेकर बस पलटी थी। कोतवाली बांगरमऊ के किलोमीटर संख्या 224 पर यह हादसा पेश आया था, और इस पर अपडेट देते चले कि मरने वालों की संख्या हो चुकी है 3। स्पीड ज्यादा बताई जा रही थी, इस वजह से कंट्रोल खोया और यह बस पलट गई, और इस दरमियान 3 लोगों की जान जाने की, 32 लोगों के घायल होने की और 13 के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। अपडेट यह है कि जो मौत का आंकड़ा 2 था वो 3 हो चुका है, और अभी भी 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हैं आगरा और उन्नाव की, जहां आगरा में स्कूल बस के पलटने की तस्वीरें आप देखते हैं। गनीमत ये रही कि बच्चों को गांव वालों ने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन उन्नाव के पास डबल डेकर बस के पलटने में 3 लोगों की जान जा चुकी है।
तो नोएडा में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू ट्रक ने साइकिल चला रहे एक ग्रुप को टक्कर मार दी है। 6 लोग ग्रुप में साइकिल चला रहे थे और हादसे में इनके घायल होने की खबर है। नोएडा के सेक्टर 94 के पास तेज रफ्तार ट्रक की जद में आए हैं ये साइकिल चलाने वाले लोग। हादसे में पीड़ित सभी लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। ज्यादा डिटेल सहयोगी अंकित से लेते हैं। अंकित, क्या है ये मामला, घायलों की स्थिति क्या है, डिटेल्स दीजिए। जी देखिए, आपको बता दूं, आज सुबह की यह पूरी घटना है जहां पर तेज रफ्तार जो ट्रक था नियंत्रण होकर उसमें जो बता दूं आपको जो साइकिल कर रहे साइकिल कुछ लोग कर रहे थे ग्रुप बनाकर, वह नोएडा सेक्टर 94 से होते हुए 137 की तरफ आ रहे थे। पीछे से जो ट्रक था वो काफी तेज रफ्तार में था, उसमें जो साइकिल चालक थे उनको टक्कर मार दी, जिसके बाद लगभग 6 लोग जो है घायल हो गए थे, जिनको नजदीक के अस्पताल है वहाँ भर्ती कराया गया। फिलहाल की बात की जाए तो अभी जो सभी लोग हैं उनको उपचार चल रहा है, फिलहाल स्थिति जो है उनकी स्थिर बताई जा रही है। साथ ही साथ जो ट्रक चालक था वह मौके से फरार हो गया है, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो ट्रक है उसको अपने कब्जे में ले लिया। वहीं जो ट्रक चालक की तलाश के लिए पुलिस द्वारा टीम गठित करने के बाद ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं बात करें जो यह सभी लोग थे, यह सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जिस तरीके से करते थे, ऐसी मॉर्निंग साइकिलिंग करते हुए यह लोग सड़क से अपने घर की तरफ, जो कि नोएडा 137 स्थित आवास में रहते हैं सभी सोसाइटी, वहां पर रहते थे, वहां पर यह लोग साइकिलिंग करते जा रहे थे। पीछे से अचानक ट्रक ने आकर इनको टक्कर मार दी, जिसके बाद सभी लोग घायल हो गए। बिल्कुल अंकित, जो लोग शुक्रिया जो जानकारी आपने दी। और सेक्टर 94 के पास तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी है, साइकिलिंग कर रहे थे कुछ लोग, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, ज्ञानवापी सर्वे पर जितेंद्र सिंह बिसेन का बयान सामने आया है। कोर्ट में एक आवेदन देने जा रहे हैं जितेंद्र सिंह बिसेन का यह कहना है, शिवलिंग के चारों ओर की दीवार हटाने के लिए अर्जी देंगे। तो देखिए, ज्ञानवापी परिसर पे एक और अपडेट आ चुकी है। आज हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं कि उस शिवलिंग के चारों तरफ जो दीवार है उसे हटाई जाए, ताकि पता चले कि वास्तव में वो कहां तक है, समाज के सामने उसकी सच्चाई आए। और रिपोर्ट जो आज 17 तक की बात, देखिए प्रयास यही है कि यह रिपोर्ट सबमिट हो जाए, लेकिन हो सकता है किन्हीं कारणों से यह रिपोर्ट सबमिट नहीं भी हो सकती है, क्योंकि लगभग 10 घंटे की वीडियोग्राफी है और एक एक बिंदु को बहुत सूक्ष्मता से चिन्हित करना है, उसका उल्लेख करना है रिपोर्ट में। तो हो सकता है जो हमारे अधिवक्ता कमिश्नर हैं कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उन लोगों को थोड़ा समय लग जाए। ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे के दौरान शिवलिंग निकलने पर यूपी के सभी जनपदों में हिंदूवादी संगठनों ने खुशियां मनाई हैं। मुजफ्फरनगर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ हिंदू संगठनों ने खुशी जताते हुए आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई, खुशी का इजहार किया। प्राचीन शिवलिंग मिला है, इस खुशी में आज हमने यहाँ घंटे घटा बजा खुशी मनाई और आतिशबाजी की और साथ ही मिठाई बांटी। हम सरकार से मांग करते हैं कि जहाँ जहाँ भी इस तरह के शक हों कि वहाँ मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं, उन सभी मस्जिदों की जांच और सर्वे हों और बहुत जल्दी उन सभी मस्जिदों को हटाकर वहाँ पर दोबारा से मंदिर का निर्माण कराया जाए।